तीन ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर को जोड़ने वाली एक नई ट्रेन आज से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खास बात यह है कि भारतीय रेलवे के उपक्रम IRCTC की तरफ से इस ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। ये तीसरी प्राइवेट ट्रेन है जिसका परिचालन IRCTC करेगी। काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से ये ट्रेन इंदौर के बीच चलेगी। ऐसे में इस रूट पर यात्रा करने वालों के लिए मुश्किलें आसान होने वाली है। आगे 20 जनवरी से आम लोग इस ट्रेन से सफ़र कर सकेंगे। इस ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई है। ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी। 2 दिन इसे सुल्तानपुर लखनऊ के रास्ते तो 1 दिन प्रयागराज के रास्ते चलाया जाएगा। ऐसे में आज ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने यहां पहुंचने पर ट्रेन की अगवानी की और हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन से प्रयागराज के लोगों को उस रास्ते पर सफ़र करना आसान हो जाएगा। वाराणसी महाकाल एक्सप्रेस हमारे बहुत सारे जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं उनको जोड़ेगी और 1 दिन सप्ताह में ये इलाहाबाद से होती हुई जाएगी प्रयागराज से, और 1 दिन लखनऊ के ज़रिए जाएगी। वाराणसी से चलकर यह ट्रेन जो कि अति आधुनिक व्यवस्थाओं से लैस है, इसमें हर प्रकार के हर उम्र के लोगों की व्यवस्था की गई है, और ये उज्जैन भी जाएगी। उज्जैन में महाकाल के दर्शन ICRTC ने जो इसमें प्रबंधन किया है, जो पैकेजेस दिए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मैं समझती हूँ जो लोग जाते हैं अलग अलग तीर्थों पर, और इस रूट पे तो बहुत तीर्थ होता है, उनके लिए सुविधा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बहुत ही हम लोग प्रसन्न हुए इसको देखकर। और सच लीजिए, जब से मोदी सरकार आई है पिछले 6 वर्षों में यातायात के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, और सबसे सुखद और सबसे ज़्यादा यात्रियों के की सुविधाओं का ध्यान रखने वाली रेलवे रही है। अति आधुनिक प्लेटफॉर्म्स, अति आधुनिक ट्रेनें, और अब ये जो प्राइवेट ट्रेन्स जो कि कॉरपोरेशन रेलवे का ही चलाएगा IRTC, तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रयोग है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अत्यंत सफल होगा। मैं बधाई देना चाहती हूँ पीयूष गोयल जी को, और बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आज इसे हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से काशी से विदा किया है। बम बम भोले के नारे से गूंज रही है ट्रेन, तो ये बहुत ही अच्छी ट्रेन में खास क्या रहा है? खास है कि इसमें जो बहुत ही सोच समझ कर इसके जो टॉयलेट्स बनाए गए हैं, वॉशरूम्स, वो बहुत ही अच्छे बनाए गए हैं। छोटे बच्चों के लिए सुविधा नहीं होती थी, सुविधा की गई है। ये पूरी 3 टायर है, और इसमें जो साइड वाली, पहले आप जानते हैं जो सीट्स होती थी उसमें बीच में गड्ढा होता था, उसके लिए एक स्लाइडिंग उन्होंने पूरी बर्थ बना दी है, और CCTV कैमराज लगे हैं। अति आधुनिक पैंट्री है जिसमें कि बहुत स्वच्छ भोजन की व्यवस्था होगी, और ये पूरी ट्रेन ही समझ लीजिए अगर तीर्थ यात्रियों की होगी तो इसका माहौल ही अलग होगा। इतनी सुंदर, साफ़ सुथरी, अति आधुनिक ट्रेन जो चलाई गई है वो वास्तव में प्रशंसनीय है। आम आदमी के लिए कुछ सुविधा इसके अंदर? आम आदमी की सुविधा को ध्यान में रखा गया। देखिए, एक तो पूरी ट्रेन एयर कंडीशन है, दूसरा ये 3 टायर है, तीसरा कि इसके किराया बहुत समलावा सही किराया है, और पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही सरल हैं, तो ये सामान्य वर्ग के लिए बहुत ही सुविधाजनक यात्री ट्रेन बनेगी, ऐसा हम लोगों को लगता है।